ये यहाँ पे डालें भैया, सूखे में डाल दें, आ जाएंगे। ये यहीं पे, यहीं पे, ये सूखे में आ जाएंगे भैया। थोड़ा पीछे भैया, जल सर, सर भैया पानी। हर हर गंगे, हर गंगे, हर हर महादेव, हर महादेव। ए बेटा, ए ए ए अरे कैसे तुम भैया मंत्र पढ़ रही ना, थोड़ा मंत्र पढ़िए। चंदन श्याम पूर्णम पवित्रम पापनाशिनम आवदाहते नित्यम लक्ष्मी वचन। सर एक बार जयकारा लगवा दीजिए। खड़े होकर आराम से, आराम से ले लो आप। भैया थोड़ा हेलो, अभी बड़े हनुमान जी हैं भैया। सर हाँ, कल ही आए हैं, आगमन तो आप कल ही हुआ है ना। हाँ, सच्चे भक्त है, हर वर्ष का नियम है आप। हाँ, हर वर्ष जरूर, लेकिन जो जोड़ी आपकी दिख नहीं रही आजकल। आशुतोष भैया ये साथ है अधिकतर आगे। फोटो खींचो भैया हमारे साथ। आइए दीवानी पर, आज फोटो खींचना। आइए, हो गया, हो गया भैया। थोड़ा अपने पीछे हरे ओम मंगलम भगवान श्रीमृत जाम हे कुंडलिका छात्र सर मंगल मंगलेश्वर सर्वासाद के सर्वतम के गौरी नारायणे नमो। Thank you.
इस समय हमारे साथ बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और हास्य कलाकार राजपाल यादव जी हैं, जिनके चरित्र के बारे में यह कहा जाता है कि ये किसी भी साँचे में इन्हें ढाल दिया जाए ये ढल जाते हैं। आइए हम इनसे बात करने की जानने की कोशिश करते हैं कि अभिनय के क्षेत्र में आपका इतना नाम है, इतना गरिमा है, उसके बावजूद आप इतने शांत स्वभाव के कैसे हैं? 15-20 साल से लगातार संगम पे दद्दा जी के सानिध्य में और जो है राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए हमेशा शिवलिंग निर्माण हुए और संगम पे पूरी दुनिया से अपना घर बार छोड़ के और कल्पवास के लिए संगम की पावन पवित्र भूमि पे अपनाते हैं, पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं। इतना अच्छा लगता है कि कोई किसी का धर्म नहीं जानता, कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का कुछ नहीं, लेकिन सब जो है गंगा में हैं, सब संगम में हैं और सब जो है अपने लिए दुआ कर रहे हैं, अपने सब परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बस थोड़ा सुखी रहे। राजपाल यादव जी, आपसे आपकी वेब सीरीज, क्योंकि इसमें ये कहा जाता है इस समय वेब सीरीज का काफ़ी विरोध चल रहा है, आपकी वेब सीरीज किस तरह की है और इस वेब सीरीज में आपका क्या काम रहना है? हमारी वेब सीरीज जीवन में जो भी सीरीज बनी है पिछले इतने सालों में, जो भी वेब सीरीज बनेगी या जो भी फिल्म बनेगी, राजपाल की कोशिश जीवन भर ये होगी, राजपाल के द्वारा बोली हुई लाइन या राजपाल के द्वारा किया हुआ अभिनय, जिसमें राजपाल हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान सबके लिए, सब एक समान। हर किचन में देखो, मंदिर में देखो, मस्जिद में देखो, हर किचन में देखो, मैं ऐसे मनोरंजन का अनुयायी हूँ और वही मनोरंजन में करता। अच्छा महाराज राजपाल जी, आप चूंकि किसान पुत्र हैं और इस समय एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है, इसके विरोध में काफ़ी सारे बॉलीवुड अभिनेताओं ने भी कहा है कि जो हमारे देश की राजनीति है, हमारे देश की राजनीति में रहने होना चाहिए और इसमें कलाकारों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? आप अच्छा बोल रहे हो।